खबर सिरोन से। पीएम किसान प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि का आयोजन, 18,000 करोड़ की नई किस्त का हस्तांतरण, 9 करोड़ किसान परिवार के बैंक खातों में पहुंची राशि, किसान पीएम सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों राशि वितरण कार्यक्रम आयोजन किया। कार्यक्रम जनपद स्तरीय मंडी के बेगम बाग में आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल द्वारा किसानों को पीएम सम्मान निधि राशि वितरण LCD टीवी पर लाइव प्रोग्राम दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया, जिसमें 5 पंचायत के हितग्राहियों को वितरण किए गए। विधायक शर्मा ने सभा को संबोधित किया और मंडी सचिव फतेह सिंह पर जमकर बरसे, कहा कि अगर मंडी के हालात नहीं सुधरे तो आप जवाबदार होंगे, और जो व्यापारियों का माल है, जो किसानों को माल को चोरी करते हैं और फूल बनाकर नाथ को चुरा लेते हैं, इन लोगों पर अगर आपने दंडात्मक कार्रवाई नहीं की तो अब फिर आप समझ लेना, क्योंकि आज अगर किसी किसान के साथ अनाज चोरी की शिकायत हुई तो विधायक उमाकांत शर्मा मंडी में किसानों के साथ खड़ा हुआ और इसका जवाबदार मंडी प्रशासन और SDM रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे सिरोंज भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा, जनपद अध्यक्ष जितेंद्र वघेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश यादव सिरोंज, SDM अंजलि साहू, जनपद CEO शोभित त्रिपाठी किसान शामिल हुए। किसान सम्मान निधि की राशि बगैर किसी बिचौलिए के, बगैर किसी कमीशन के, सीधे किसानों के खातों में आदरणीय मोदी जी ने दिए। 6,000 रुपए 3 किस्तों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, भारतीय जनता में किसानों के अनाज की चोरी रुकना चाहिए और जो चोरी का प्रयास करे वो जेल जाना चाहिए। और मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, कृषि उपज मंडी के कर्मचारी, हम माल बंधुओं, सुधार ले आओ, किसानों को मत ठगो, किसानों के साथ बेईमानी मत करो। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस व्यवस्था को दुरुस्त कैसे बनाया जाए। नाम है आपका? महेंद्र सिंह डांगी। कौन गांव है? झंडवा। अच्छा, आप भाजपा के कोई वरिष्ठ पद पर भी हैं? मैं पूर्व में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में उपाध्यक्ष रहा जिले का, इससे पूर्व सरोंज ग्रामीण मंडल एक था, तब मैं मंडल अध्यक्ष रहा, वर्तमान में तो जिला प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, एक चीज़ है जो आज आयोजन किया, इसमें इस योजना का आपको कितना लाभ मिला और कहाँ तक सार्थक है ये प्रधानमंत्री? ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो है किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है, समय समय पर ये पैसा मिलता है, हर 4 महीने में, इससे खेती के काम में बहुत मदद मिलती है। इसके साथ शिवराज जी ने भी, प्रदेश के मुखिया ने भी 4,000 रुपये किसान सम्मान निधि के लिए और किए गए, तो जो बीच में गैप था अब वो 2-2 महीने में हो जाएंगे, तो किसान उससे अपना काम चला सकेगा। जिस टाइम किसान को पैसों की ज़रूरत होती है उस टाइम इस योजना का कहां तक लाभ सार्थक हो रहा है? मान लीजिए आज किसान के लिए चने में दवाई डालना है, इल्ली या कीटनाशक जो भी, उस वक्त में अगर किसान के लिए 2,000 रुपये मिले हैं तो किसी सेठ साहूकार के न जाते हुए उस राशि का वो सदुपयोग कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। आज जो किसान सम्मान निधि का आयोजन हुआ उसमें कितने लोगों को लाभ मिला अपने प्रतिशत जिले या सिरोंज तहसील में? कितने को मिला है मैडम? 38,164। 38,164 लोगों को लाभ मिला इसमें। एक चीज़ और देखने को मिली जो किसान है। अच्छा, ये किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री द्वारा बांटी जा रही है, इसको आपको लाभ मिला है? 5,000 मिलते हैं तो पिछले साल में आपको कितने मिले? 6,000 रुपये मिले। ये कहाँ तक अच्छी है, किसानों के इतने कैसे लगते हैं? किसानों के इतने अच्छी है लेकिन काम पे पैसा नहीं डालते सही। अच्छा, हाँ, किसान पैसा जब डालें, जब किसान की किसानी की काम पे आए, जब तो जब पैसा डाला। इसमें सरकार कहीं से गलत दिखती है कि कर्मचारी गलत? कहीं से नहीं, कर्मचारी है गलत, सरकार कहीं से गलत है, कर्मचारी खा जाते हैं। इसमें आपने किसी से अभी शिकायत करी कि हमारी शिकायत कोई से नहीं करी? किस किस की करें शिकायत इसमें? तो आप इस योजना का लाभ तो ले रहे हैं ना? हाँ, लाभ ले रहा हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।